हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धनेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को एक क्यूब जो 3x3 रूबिक क्यूब, इससे मैं आपको फिक्स करना सिखाऊंगा। तो इसको करने के लिए पहले आपको चाहिए एक 3x3 रूबिक क्यूब। जो तो इसके लिए आपको पहले इस क्यूब के सारे पार्ट्स को निकाल देना होगा, एक एक करके इसके सारे पार्ट्स को निकाल देना होगा। उसके बाद आपको ये जो टू कॉर्नर वाला ऐसे वाला जो पीस रहेगा वो सब अलग कर लेने का, इसे बोलते हैं एच पीसेज। ये क्या होता है, जिसमें दो कलर होता है उसे एच पीसेज बोलते हैं। ये हो गया। अब ये जो 3 कलर वाले होते हैं इसे बोलते हैं कॉर्नर पीसेज, ये भी आपको अलग कर लेना होगा। अब बीच में बचता है ये, इसको आपको क्या करना है, कोई भी एच पीस लो पहले, फिर वाइट वाइट मैच करके रेड से रेड मैच कर दो ऐसे बराबर। उसके बाद फिर एक एच पीसेस और लेके इसे ऐसे फिक्स कर देंगे, सेम वही ग्रीन और वाइट, ग्रीन और वाइट को यहाँ लगा दिया बराबर। फिर ऑरेंज ग्रीन और वाइट वाइट क्योंकि मेरा नीचे जाएगा, तो मैं नीचे साइड पकड़ूंगा, ऊपर से यहाँ से देखो ये ऐसे यहाँ से घुसा के ऐसे नीचे डाल देने का। अब ग्रीन रेड और वाइट मेरा एक और बचा है ब्लू और वाइट। ऑरेंज ग्रीन और ब्लू, ब्लू ग्रीन और ब्लू रेड और वाइट। अभी आपको क्या चाहिए इस पीसेज, ग्रीन रेड ब्लू रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। इसे लगाते हुए ध्यान रखना साइड में सब मैच होने चाहिए। तो अब क्या लगाना आपको एच पीसेज, फिर एक कॉर्नर रेड ब्लू एंड येलो, फिर एक कॉर्नर ग्रीन रेड एंड येलो। इसको घुसाने का देखो सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ से एक क्यूब को पहले ऐसे डाल देने का, फिर तो यहाँ से सीधा करके साइड में कर देंगे एंड फिर मेरा ये हो गया ग्रीन एंड येलो एंड ऑरेंज। मैंने आपको सिखाया बिना किसी एल्गोरिदम को क्यूब को बनाना, ना कि सॉल्व करना, इसे बोलते हैं बिगड़े क्यूब को बनाना। सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना किसी एल्गोरिदम को आप क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकते।